आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपनी सेकंड हेडिंग पढ़ रहे थे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे थे 4+2 साइक्लो एडिशन, जिसको आप लोग डील्स एल्डर रिएक्शन के नाम से जानते हो। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हम लोग डील्स एल्डर रिएक्शन के साथ डील कर रहे थे। अभी तक हमने डील्स एल्डर रिएक्शन का एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुका है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट बातें सीखी हैं, और उसको हम बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डील्स एल्डर रिएक्शन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास डाइईन होता है और जो आपके पास डाइनोफाइल होता है, वह डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूं, डाइन एंड डाइनोफाइल बोथ प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर क्या हो, जब दोनों ही डाइन और डाइनोफाइल अगर सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डाइल्स एल्डर रिएक्शन। अब हम लोग इस ही पार्ट को डील करने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपके पास दो कंपोनेंट है, यहाँ पर भी आपके पास डाइन है, यहाँ पर भी आपके पास डाइनोफाइल है। बस जो डिफरेंस है यहाँ पर, वह डिफरेंस इस बात का है कि जो दोनों ही ये कंपोनेंट हैं, ये प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। अभी तक हम लोगों ने डील्स एल्डर रिएक्शन के बारे में इंटर मॉलिक्यूलर डील्स एल्डर रिएक्शन को डिस्कस किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डील्स एल्डर रिएक्शन। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो आपके पास एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहां पर ये आपके पास डाइन है और यहां पर आपके पास डाइनोफाइल है। बस यहां पर डिफरेंस ये है कि पहले आप इसको अलग अलग मॉलिक्यूल मानते थे, इस बार ये एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है। मतलब यहां पर कुछ भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जुड़े होंगे। जब ये दोनों ही की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मैं डाइन कहूंगा, इसको मैं डाइनोफाइल कहूंगा, और सबसे बड़ी बात है ये दोनों एक ही पार्ट में है, एक ही मॉलिक्यूल में है। जब मैं यहां पर हीटिंग करवाऊंगा, तो ये भी एक तरह की कैसी एडिशन है। देखो ये वाला कंपोनेंट क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, 4π, और ये वाला क्या दिख रहा है आपको, 2π दिख रहा है। तो अभी भी ये 4+2 तो है और साइक्लो एडिशन है, और 4+2 साइक्लो एडिशन ही हमारे पास डील्स एल्डर रिएक्शन होती है। लेकिन यहां पर कहानी कैसे चलेगी, ये वाला पार्ट यहां, ये यहां और ये यहां, तो आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, और ये वाला पार्ट यहां पर लगा ही रहेगा। कुछ भी यहां पर XYZ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और एलोबरेटिव मैनर में लेके जाता हूं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पर आपके पास इस तरीके से है, हम नंबरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास इस तरीके से है। अब जरा थोड़ा सा मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखोगे, तो यहां पर आप नंबरिंग करोगे तो ये देखो, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। 1 से लेके 4 तक आपके पास कौन सा पार्ट है, डाइईन है, और फिर यहां पर आप 5 कहोगे, 6 कहोगे, 7, 8, 9, 10, 9 और 10 वाला पार्ट आपके पास क्या है, डाइनोफाइल है। जब आप यहां पर हीटिंग कंडीशन लेके आओगे, अब आपके पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, 4+2 साइक्लो एडिशन होगा, जैसे आप करवा रहे थे, बस ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन आपके पास हो जाएगी, और आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, और ये यहां पर इस तरीके से लगा ही रहेगा। देखो चेक करते हैं, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 6, 7, 8, 9 और 10। तो 4 और 9 के बीच में बॉन्ड बन रही है, देखो बन रही है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं, जैसे क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यहां पर नंबरिंग कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
यहाँ पर 10 और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ 80, ऐसा कुछ आपने इस तरीके से ले लिया। और यहाँ पर मैं पाई बॉन्ड लगा देता हूँ सबसे पहले 1 और 2 में, 3 और 4 में, और यहाँ पर आपके पास 9 और 10 पर। अब आपसे यहाँ पर ये सवाल दे दिया है और यहाँ पर आपके पास क्या लगा दिया है, हीटिंग कंडीशन लगा दिया है। इस सवाल को कंप्लीट करना है। देखो सवाल बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको मॉलिक्यूल थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दिया है। जब मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखाता है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आपको मॉलिक्यूल को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करोगे, इसको सेट करोगे आप ऊपर वाले की तरह कुछ इस तरीके से, जहां पे इसका ये डाइन पार्ट आपको दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड पार्ट होता है डाइन हमेशा, तो आप इसको थोड़ा इस फॉर्म में लेके आ जाओ। जब आप ऐसे लेके आ जाओगे ठीक है, और यहां पर आप इसको लेके आ जाओ डबल बॉन्ड, और यहां पर आपने COOET ग्रुप लगा दिया, और यहां पर कुछ भी XYZ नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे होंगे, अपन डिस्कस नहीं कर रहे क्या है, कुछ भी XYZ लगे होंगे ठीक है। तो जब आप इस सवाल को कंप्लीट करोगे ठीक है, आपने सबसे पहले इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है, सबसे पहले आपको ये काम करना ही करना है ठीक है। नंबरिंग करते हैं, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही कुछ सिस्टम है आपके पास, मतलब जस्ट सुपर वाले की तरह अगर आप चेक करोगे तो वही आ रहा है। तो आप यहां पर जब फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो कैसे हो जाएगा बताओ, ये वाला डबल बॉन्ड यहां, ये यहां, और ये वाला पार्ट यहां, जब इस तरीके से आपके पास आ जाएगा तो आपको कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है, और ये यहां पर ऐसे रहेगा ही। कैसे समझ में आ रही, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। बोलिए, ये जो मैंने इस तरीके से बता दिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर कार्बन एटम नहीं दिखाना चाहता, तो मैंने ऐसे पूरा मोइटी को बना दिया है ठीक है। तो अब आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एकदम बिल्कुल अच्छे से आइडिया समझ में आ चुका होगा। यहां पर जो डाइइन और डाइनोफाइल है वो विद इन सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आइए कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स अपन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और यहां पर सबसे पहले हम हीटिंग कर रहे हैं, इससे ए बन रहा है, फिर हम यहां पर O3 Me2S लेके आ रहे हैं, बी बन रहा है, फिर हम यहां पर NaOH लेके आ रहे हैं तो सी बन रहा है। ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आपको ट्राई करना है ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये है, उसके बाद क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, ये आ जाए क्वेश्चन और यहां पर आपके सामने क्या कर दे, हीटिंग कर दे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और, पहले मैं सारे क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ठीक है, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप नंबरिंग करो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहां तक नंबरिंग कर लो ठीक है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं,
तो कन्वर्ट करने पर ये कैसा बन जाएगा? देखो इस डाइन को पहले आप यहाँ पर ऐसे बना लो, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसे है, हम डाइन को ऐसे ही बनाते हैं। अब इस डाइन से हमारे पास ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से डाइनोफाइल बना देता हूँ। अब फोर वाला पार्ट किससे जुड़ा है, फाइव सिक्स, और फाइव सिक्स किससे जुड़ा है, सेवन से। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, सेवन है, ये एट है और ये नाइन है, ऐसे तो बोलेंगे। तो यहाँ पर आप जो पार्ट कनेक्ट करोगे इसका, वो इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट करोगे, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जब आप एक बार ऐसे कर लोगे, फिर यहाँ पर हीटिंग करने पर क्या हो जाएगा, अब तो आसान है, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्स। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ, और ये इस तरीके से। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये बन चुका है। यहां पर हो चुका है। अब देखो नंबरिंग करो आप, वन टू थ्री फोर, यहां पर आपके पास एट है, यहां पर नाइन है, यहां पर सेवन है। फोर और सेवन से फाइव सिक्स जुड़े हैं, तो यहां पर आप फाइव कर लो, यहां पर सिक्स कर लो, और इसे जोड़ दो। इसको आप कह सकते हो फाइव नंबर, और इसको आप कह सकते हो सिक्स नंबर। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल क्या बोला है, ये तो आपका हो गया बेसिक। O3Me2S आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। O3Me2S का मतलब होता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस आप करवा दो, जब आप इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे, आपको अच्छे से पता है यहां पर आप डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड किस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। पूरा एज इट इज लिखोगे इसको, और यहां पर आप पूरा ऐसा बना लो, सी एच ओ, और यहां पर भी आ जाएगा आपके पास सी एच ओ, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। जब आपने बना लिया, अब आपके पास क्या है, NaOH। अरे ये तो आपको पता ही है यार, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था, दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, रिएक्शन के टाइम सब पढ़ा रखा है। NaOH क्या करेगा, देखो सामने आपके पास यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बन कंपाउंड है और सामने NaOH है, तो यहाँ पर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एक बार यहां से जब आप हटाओगे तो यहां नेगेटिव आएगा, ये अटैक यहां करेगा, और एक बार जब यहां नेगेटिव आएगा, ये अटैक यहां करेगा। आना आप इसको बोल सकते हो इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। जब मैं इनोरेट केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग अगर अभी प्रैक्टिस कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर डाउट आ रहा है तो आप डाउट फैकल्टी वाले सर से पूछ सकते हो। क्लियर एकदम अच्छे से क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है। जब आप इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने जाओगे तो कन्वर्ट कैसे करोगे, डाइन को तो आप सबसे पहले ऐसे ही रख दो इस तरीके से, यहां पर ये तो डाइन है ही, साथ में ये वाले पार्ट के साथ ये पूरा ग्रुप लगा है। अब इसको देखो, आप जरा ध्यान से इसको देखोगे तो इसको किस तरीके से बनाओगे, ये आपके पास ई फॉर्म में है, तो यहां पर भी आपके पास ई मैनर में ही बनेगा इस तरीके से सी एच ओ। नंबरिंग कर सकते हो आप बहुत अच्छे से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और यहां पर टेन, यहां पर कर लो वन टू थ्री फोर, नाइन, है ना, टेन से तो मतलब क्या, एट नाइन से मतलब ये, तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अब आप क्या करोगे इसमें, बस वही एरो चलाओ यार, सिंपल सा पॉइंट है, ये यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां और ये वाला बॉन्ड यहां, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो बन के आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा इस तरीके से, और यहां पर डबल बॉन्ड रहेगी रहेगी। नंबरिंग भी कर सकते हो आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये बन जाएगा। आ रहा है समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या, आपको साफ साफ इस वाले पार्ट समझ में आ रहा है,
ये वाले बॉन्ड को आप अगर यहाँ लेके जा रहे हो तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। डाइन की तरह ये वाला पार्ट क्या है, डाइन, और ये क्या है, डाइनोफाइल, मेंशन कर सकते हो ना। ये वाला पार्ट क्या है, डाइनोफाइल है, और ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, डाइन है। तो यहां पर आप इस तरीके से तो करते हो, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहां, तो ये इस तरीके से, तो आपके पास यहां कैसा बन जाएगा, अब फाइनली फिर क्या है, H2PD4 को ले, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर मान लो मैं इसकी जगह LILH4 लिखा जाऊं तो यहां पर डबल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बेसिक ग्रेडिएंट की टर्म है। तो ये एग्जाम्पल से आपके पास इंट्रा मोलिकुलर डिसल्टर रिएक्शन, कुछ और बेहतरीन से एग्जाम्पल इस पर ट्राई करते हैं। तो आइए कुछ और सवाल अपन ट्राई करते हैं। जैसे मान लो अगर अपन सवाल में देखते हैं तो हमारे पास अगला सवाल कुछ ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। पहला सवाल तो यही है आपके पास, करते हैं इसको ट्राई। बताइए इस सवाल को कैसे करोगे। देखो सबसे पहले इस सवाल में आपके पास यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर इस जगह आपके पास डाइन दिया हुआ है, मतलब डाइनोफाइल दिया हुआ है। इस जगह आपको क्या दिया हुआ है, डाइनोफाइल दिया हुआ है, लेकिन इस सवाल में आपको डाइन नजर नहीं आ रहा। जब भी ऐसा सवाल आए जहां पर आपको डाइनोफाइल जैसा कुछ नजर आ जाए, सामने हीटिंग कंडीशन तो है ही और डाइन नजर ना आए, तो आप देखो क्या सामने कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जहां से अपन डाइन बना सकते हैं। तो याद करो हम लोगों ने रिंग ओपनिंग पढ़ा था, तो सबसे पहले हमें यही करना है, सबसे पहले हमें रिंग ओपनिंग करवाना है, बोले तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है। जब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाओगे तो पाई बॉन्ड के सामने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा, अरे ऐसा ही तो कुछ होगा। तो आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से नजर आने लग जाएगा, ये ऐसा वाला पार्ट आ जाएगा। अब जब ये ऐसा जाएगा, आप इसको अगर नंबरिंग कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 4 4। यहां पर क्या जाएगा, 5, या फिर आप ऐसे सीधे करो ना, इस वाले पार्ट को पूरा इससे जोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर COOET बना दो। ऐसे कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 8 कर दो, यहाँ पर 9 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 7, ऐसा ही हो जाएगा। बोलिए जस्ट पिछले वाले एग्जांपल की तरह कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो, इस वाले पार्ट को यहाँ, इसको यहाँ और ये यहाँ, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास COOET ग्रुप आ जाएगा, 5 6 7। तो आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हो, तो नंबरिंग भी कर सकते हो फिर से आप क्रॉस चेक करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, इसमें कॉन्सेप्ट था आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग का। जब भी आपके पास सवाल जो है उसमें डाइन नजर ना आए तो आप वहां पर चुपचाप से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करवा दीजिएगा। बोलिए ये वाली बात हो चुकी है। अगर हम अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, देखो जरा ध्यान से, अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। ये ऐसा सवाल नजर आ रहा है,
ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा ध्यान से देखोगे तो आपको इस वाले सवाल में उल्टा है। इस बार आपको क्या नजर आ रहा है, इस बार आपको डाई इन नजर आ रहा है, डाइनोफाइल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको एसओपीएच नजर आ रहा है और सामने हीटिंग भी है, और एसओपीएच की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, सिन पायरोलिटिक इलिमिनेशन। याद आया अपन लोगों ने पढ़ा था सिन पायरोलिटिक इलिमिनेशन, जो हमने डाइस अल्टर रिएक्शन के साथ और सारी नेमिनेशन को जोड़ना स्टार्ट किया था वो इसीलिए किया था ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाए। तो क्या होगा, यहां से ये बीटा एच हटेगा, एसओपीएच हटेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जैसे ही यहां पर एक बार डबल बॉन्ड आया, ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट, और ये यहां शिफ्ट, जस्ट पिछले की तरह क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको वह शर्तें सबसे पहले पहचानना तो आना चाहिए कि आखिरकार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं तो आप तो एसओपीएच पर ही अटक जाओगे। बोलिए क्लियर एकदम अच्छे से, हम लोगों ने बात की थी ना सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, सिलेनियम ऑक्साइड्स होते हैं, उसके बाद 3 डिग्री अमीन एन ऑक्साइड होता है, ये सारे एग्जांपल्स आपके पास किसके होते हैं, सिन पायरोलिटिक इलिमिनेशन के। तो सबसे पहले आपने सिन पायरोलिटिक इलिमिनेशन लगाया, उसके बाद आपके पास यहां पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहां पे मतलब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा सवाल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, एसओपीएच के जो बीटा पे एच होगा उसको वहां से हटा देंगे और वो सिन पोजीशन पर रहा होगा, ठीक है। जैसे एक अगला सवाल है, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और कैरेथर का सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को जरा ध्यान से आप समझना, मैं क्या बताना चाहता हूं, ये सवाल कुछ ऐसा है, इसको नंबरिंग करते एक बार, 1 2 3 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ आ जाए, और यहां पर आपके पास हिटिंग कर दे, ये आपके पास है। अब आपको सबसे पहले एक बात यहां समझनी है, जब भी आपके पास कोई एक इंट्रामोलिकुलर डिसऑर्डर रिएक्शन होती है तो वहां पर रिजियो सेलेक्टिविटी वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसमें हम लोग मॉलिक्यूल को उल्टा नहीं कर सकते, है ना, रिजो सेलेक्टिविटी के लिए उल्टा करना पड़ता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस वाले केस में अगर एग्जांपल मैं बताऊंगा तो देखो आपको ये साफ साफ डाइनोफाइल नजर आ रहा है, ये डाई नजर आ रही है, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ, और ये वाला पार्ट यहाँ। जब आप इसको इस तरीके से करवाओगे देखो कैसा बन जाएगा, ये इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया, बाकी यहां पर क्या जाएगा, ओ एस आई पी एच ओ या फिर ऐसे समझ लो, है ना, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नंबरिंग भी दे सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां पर सवाल बन गया, लेकिन यहां पर सवाल है स्टीरियो केमिस्ट्री का। अगर अपन स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जरा ध्यान देखो, अगर मैं इस वाले ग्रुप को देखूंगा और अगर मैं इस वाले और इस वाले यहां पर इस वाले पार्ट को देखूंगा तो इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि ये दोनों एच पर हैं और ये वाला क्या है, क्यूब के बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा है, तो इसकी अलग होगी। मान लो अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को कुछ ऐसा बनाता हूं तो इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री मुझे ऐसी ही बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई क्या सबसे पहले आपको ये वाली, और जब आपने इसकी ऐसे बनाई है तो जो रिंग बनी है उस रिंग का ये वाला पार्ट भी ऐसा ही होगा। अरे क्योंकि जब रिंग जुड़ेगी तो वो एक साइड से ही जुड़ेगी, अब एक ऐसे जुड़ा और एक ऐसे जुड़ा, ऐसा तो नहीं होता भाई जिंदगी में, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया, सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझो। हमने जब सवाल का आंसर बनाया, बहुत ईजी सवाल था,
क्योंकि कैरेथर का सवाल है, तो कैरेथर का सवाल भी अच्छा खासी स्टोकेमिस्ट्री जोड़कर बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं तो ये वाला COET है और ये जो दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप कहां पर है आपके पास, H पर होंगे, और ये वाला कहां है, क्यूब के बाहर है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों की स्टोकेमिस्ट्री क्या होगी, अलग अलग, और जो कि मैं अलग अलग दर्शा रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे दर्शाऊंगा तो इन दोनों को ऐसे, और इस वाले को तो मुझे ऐसा ही बताना पड़ेगा क्योंकि रिंग तो हमेशा एक तरफ से बनेगी, खत्म हो गया। अब अगर हम यहां पर लेके आते हैं HClMEOH, तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है और ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। OH, OH, C double bond OET। अब जब यहां से आप साइक्लाइजेशन करवाओगे तो इस साइक्लाइजेशन में यहां से आपके पास H आएगा, यहां से OET आएगा, तो फाइनली आपके पास यहां पर फ्यूज्ड जो रिंग बनेगी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाएगी। इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, ये वाला पार्ट बन जाएगा और यहां पर आपके पास OH पहले जैसा रहेगा ही। अब सवाल ये है, ये यहां पर जो दोनों H है उनका क्या होगा, तो देखो यहां पर आपके पास इसमें था तो ये वाला इसमें आ जाएगा इस तरीके से, और यहां पर ऐसा था तो ये वाला आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है कैरेथर का है, और कैरेथर में आपको सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टिपिकल वाला पार्ट हो जाता है। यहीं से हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैम वाले बच्चे इस सवाल को बिल्कुल भी ना देखें, जब आप नेट गेट की तैयारी करोगे तब पढ़ना, लेकिन नेट गेट वाले बच्चे इस सवाल को बहुत ध्यान से देखें, ऑप्शन आएगा उसको टिक मार के आ जाना, ठीक है। तो ये वाली सवाल है, चलिए आगे अपन और कुछ रेट्रो डिसल्टर रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम एक लास्ट बात करते हैं डिसल्टर रिएक्शन में, इस लेक्चर में हमारे पास है रेट्रो डिसल्टर रिएक्शन। आखिरकार ये क्या होता है, तो देखो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं और उस एग्जांपल से आपको यहां पर इसकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपके पास हमेशा क्या होता है, इस तरीके से डाइन और डाइनोफाइल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जहां पर इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपके पास साइक्लो एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पर रेट्रो डिसल्टर रिएक्शन के केस में क्या है, कहानी थोड़ी सी उल्टी है। अब कहानी किस तरीके से उल्टी है, आपके पास यहां पर इस तरीके से साइक्लो एडक्ट होता है और यहां पर हीटिंग करवाने पर ही आपके पास कुछ इस तरीके से कहानी हो जाती है। जब आप इस तरीके से कहानी करोगे तो यहां पर आपके पास ये डाइन और डाइनोफाइल का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो इसका रिवर्सिबल पार्ट है, इसी को हम रेट्रो डिसल्टर रिएक्शन कहते हैं। आ रही बात समझ में? जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था साइक्लाइजेशन से, वह फिर से क्या होता है, रिंग ओपनिंग करके इस तरीके से कन्वर्ट होता है, इसी को हम रेट्रो डिसल्टर रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा तो आपने वहां पर रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन भी पढ़ा होगा, जहां पर आपने प्रोडक्ट को फिर से उसके रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया होगा। तो सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, कि कोई भी आपका जो साइक्लो एडक्ट होता है, उस साइक्लो एडक्ट के हीटिंग करने पर आपको वहां पर उसके फिर से प्रोडक्ट P1+P2 मिल जाते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल यहां पर आपके पास NO2 है,
इस तरीके से है। जब मैं इसकी हीटिंग करूंगा, जब मैं इसका बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तो इस जगह से मैं इसका बॉन्ड ब्रेक यहाँ करूंगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। देख रहे हो आप ध्यान से, तो आपके पास यहाँ पर क्या कंपाउंड आ जाएगा, तो कंपाउंड आपके पास एक तो ये वाला आ जाएगा और दूसरा आपके पास ये वाला आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेट्रो डिसेंडर रिएक्शन। अब एक फेमस सवाल है, उस सवाल को मैं लिख देता हूं। जैसे मान लो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है और आपको PSCN दिया है और आपको यहां पर P बताना है कि आखिरकार आपके पास यहां पर P क्या आएगा। ये आपके पास एक सवाल है। तो सबसे पहले इन दोनों रिएक्शन में आप रेट्रो डील्स एल्टर रिएक्शन करवा दो, मतलब डील्स एल्टर रिएक्शन करवा दो सबसे पहले। अरे ये आपके पास कैसा है, 4 और ये 2 है, तो आप ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट करोगे, ये बॉन्ड यहां और ये वाली बॉन्ड यहां, तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां पर एन आ जाएगा, यहां पर पीएच आ जाएगा, यहां पर ओ एसी आ जाएगा, यहां पर ओ, इस तरीके से ये आपके पास डील्स एल्टर रिएक्शन हो चुका है। अब आपको यहां से PSCN बनाना है। सबसे पहले PSCN कैसे बनेगा, देखो ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी तभी तो आपके पास CN वाला पार्ट आएगा, और ये वाली बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी। फिर से सुनो, आपको PSCN तो दिया ही हुआ है, तो आप बॉन्ड ब्रेक कहां से करोगे, जब बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तब CN बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड N, तो फिर आपको ये वाली बॉन्ड यहां ब्रेक करनी है और ये वाली बॉन्ड यहां ब्रेक करनी है। तो फाइनली आपके पास एक तो यहां से PHCN तो आ ही रहा है, प्लस साथ में आपके पास यहां से ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा ओ ए सी, और ये जो प्रोडक्ट आया है इसी को आप पी नाम दे दोगे। क्लियर कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट रेट्रो डिसेल्डर रिएक्शन। तो हमने इस लेक्चर में इंट्रामोलिकुलर डिसेल्डर रिएक्शन समझ लिया है, रेट्रो डिसेल्डर रिएक्शन समझ लिया है। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। हम लोगों ने इसका मेजर पार्ट डील्स एल्डर रिएक्शन कवर कर चुका है, सारी बातें कंप्लीट कर चुकी हैं। अब हम इसी 4+2 साइक्लोएडिशन में 1.3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन, एलाइल कटाइन, एलाइल अनाइन और लास्ट में चिलीट्रोपिक रिएक्शन, छोटे से पार्ट है उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम 2+2 साइक्लोएडिशन और बिस्लेरी साइक्लोएडिशन को खत्म करके सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में एंट्री कर जाएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।